नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लॉकडाउन के बीच पुत्र वियोग क्या कहा जाता है, ये बड़ा समझने वाली बात कहीं होगी। तमाम परेशानियों से रूबरू होते हुए बेगूसराय पहुंचे एक प्रवासी राम पुकार पंडित। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उन तक जब पहुंची तो उन्होंने तुरंत उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात किया और धड़ल्ले से 1,00,000 रुपए और नौकरी देने की बात उन्हें कहा। क्या कहा तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हुए राम पुकार पंडित से, हम आपको दिखाते हैं। क्या क्या कठिनाई आई थी आप बताएंगे जरा हमको, जो भी प्रॉब्लम है कठिनाई हमको बताइए, हम उसको आपको मदद करना चाहते हैं, सहयोग करेंगे। और आप जैसे कई लोग जो है फंसे हुए, जो अभी भी जो मुश्किल में है, श्रमवीर है हमारा, गरीब है, जो अभी भी पैदल चलते हुए आ रहा है, लाठी खा रहा है, डंडा खा रहा है, तो हम लगे हुए उन सबको वापस लाने में, उनको उनका पेट भरने में। तो आपको जो तकलीफ रहा इस सफर, कैसे आप सफर आपने कैसे बिताया बताएंगे जरा। सर कंपनी में काम कर रहे हो, मसाला सीमेंट मिला के लाए, लाकर तोड़ कर ले रहे हो। आप एकदम मजबूत रहिए, रोइए मत, रोइए मत मोहित जी, थोड़ा हौसला बढ़ाइए इनका, थोड़ा मजबूती दीजिए, आगे लड़ाई लड़ना है। जी 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 जी, सबको मिलकर के इस कठिनाई को दूर करना है। बस मास्टर चल लीजिए तो जी, दिल्ली में कोई एक नदी है ना, उस जगह जो है उससे पहले 5,500 रुपया था सो छीन। अच्छा, और उसके बाद जो है ना, तो नदी था वो नदी के उसी पार मेरे को तो डंडा मारा भी, बोला मारा चल यहाँ जाता है कि नहीं। हाँ। मैं बोला नहीं जाऊंगा, पीछे हट के बैठ गया। जो वीडियो के ऊपर अधिक करते हैं जैसे साधा लोग फोटो लेते लेके, और उसके बाद उनके पास आए, वो हम सारे दुख बतलाए, हमारे बेटा बैठ कर गया, हम इस जगह से नहीं खुल गए, ना ना ना, आपका तो हमने तस्वीर अपने, आपका चेहरा हम बनाए हैं, आपका फोटो हम अपने प्रोफाइल में ट्विटर में फेसबुक पे लगाए कि यही चेहरा है गरीब का, सरकार देखो इनका मदद करो। हम लोग लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों के अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप चिंता मत कीजिए। अभी आपको 1,00,000 रुपए का पार्टी जो है सहयोग की है, आपको मदद पहुंचा। अनिरुद्ध जी, मोहित जी, जी सर, मदद दीजिए, अभी मिलेगा, अभी दीजिए सर। आपके दूत बनने जे माननीय अनिरुद्ध को आए आए को 1,00,000 का देंगे, दीजिए, दिलवा दीजिए सामने पार्टी कोड से दे दीजिए, सामने हम हैं। ये आपको पार्टी जो है कितना रुपया दिया है अनिरुद्ध जी, कितना रुपया? 1,00,000 रुपया। और आपको हम वादा करते हैं कि आपको अगर नौकरी बेगूसराय में चाहिए तो हम प्राइवेट में करा देंगे, अभी सरकार तो है नहीं, लेकिन आपको रोजगार जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट में आपको हम रोजगार दिलवा देंगे, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप बेगूसराय में ही आपको रोजगार मिल जाए। तो जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, आपको पटना में भी चाहिए काम तो पटना में भी प्राइवेट में हम दिला देंगे, नहीं तो बेगूसराय में आप काम करना चाहते हैं तो बेगूसराय में हम आपको काम दिला देंगे। तो आपने देखा, विपक्ष में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राम पुकार पंडित से बात किया, जिनका पुत्र जो है बेगूसराय में गुजर गया था, तमाम जो है बंदिशें थीं लॉकडाउन में आने के लिए, किसी व्यवस्था से वो यहाँ पहुँचे जब तेजस्वी यादव को पता चला। लेकिन सबसे बड़े सोचने की विषय ये है कि आखिर तेजस्वी यादव किसको किसको नौकरी देंगे, तेजस्वी यादव किसको किसको बिहार में मदद करेंगे, क्या ये कहीं राजनीतिक शगुफेबाजी तो नहीं शुरू हो गई है।
आखिर हो भी सकता है, क्योंकि कल ही तेजस्वी यादव ने बिहार की ज्योति को पार्टी के तरफ से पूरे शादी का खर्च उठाने का और उनके पिता की भी नौकरी का आश्वासन दिया है। हम आपको बता दें कि करीब करीब 10 लाख जो हैं प्रवासी बिहारी मजदूर वो पटना आ चुके हैं और करीब करीब 10 लाख और मजदूर पहुंचने वाले हैं। इनमें से कितनों को तेजस्वी यादव जो हैं वो नौकरी देंगे और पैसा देंगे? तेजस्वी यादव को तो ये चाहिए था कि वो सरकार से कहकर, सरकार के ऊपर दबाव बनाकर, प्रतिपक्ष से, सरकार से ही कहते कि नहीं, इनको नौकरी मिलनी चाहिए, इनको पैसे मिलने चाहिए। लेकिन शायद जो राजनीति है इसकी यही अभी जरूरत है, तभी तो, क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो सर पे हैं लॉकडाउन के चलते, नहीं तो अभी तक अधिसूचना हो सकता है जारी हो गई होती। लेकिन जितने भी पार्टियों के नेता हैं अपने अपने बल पर ये सब जो है वादे करने शुरू कर दिए हैं जनता को अपने तरफ लाने के लिए। बहरहाल, रामपुकार पंडित को 1 लाख रुपए और नौकरी मिली कि नहीं इस पर भी हमारी नजर रहेगी, ज्योति के शादी का खर्च उठाया गया कि नहीं इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, और हम वक्त बे वक्त तेजस्वी यादव से लेकर राजद को भी आगाह करते रहेंगे कि ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ। बहरहाल, फिलहाल खबरों में आप बने रहिए, नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेकिन याद रखिएगा, लॉकडाउन 4 जो है अब मात्र 6 दिन के लिए बचा है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तभी हम समाज को बचा पाएंगे कोरोना से। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।